इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का चौथा क्वेश्चन करेंगे क्लास 9th मैथ्स का। तो क्वेश्चन इस तरह से है, एक टैक्सी का किराया इस तरह से है कि पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये है और उसके बाद आने वाले हर एक किलोमीटर के लिए 5 रुपये है। तो जो किराया है वो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपये है, उसके बाद हर एक प्रत्येक किलोमीटर का 5 रुपये है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 किलोमीटर चले तो पहले किलोमीटर के लिए तो आपको 8 रुपये देने होंगे, दूसरे किलोमीटर के लिए 5 रुपये देने होंगे, तीसरे किलोमीटर के लिए भी 5 रुपये देने होंगे। तो अगर आप 2 किलोमीटर चले तो आपका 13 रुपये बनेगा, 3 चले तो आपका 18 रुपये बनेगा। इस तरह से ये किराया है। अगर कुल दूरी, जो कुल तय की गई दूरी है, ये x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपए है, तो हमें एक समीकरण बनाना है x और y में और बाद में उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पहला किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का किराया, कितना है? 8 रुपये है। अब इसके बाद शेष दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर तो ये हो गया, बची हुई दूरी कितनी है? देखो कुल दूरी तय की गई है x, 1 किलोमीटर तो चल गया, अब बची हुई दूरी कितनी है? वो है x माइनस 1 किलोमीटर। तो इस दूरी का किराया कितना हो जाएगा? 1 में 5 का गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि पहले किलोमीटर के बाद हर एक किलोमीटर के लिए किराया 5 रुपये है, तो इसलिए बची हुई दूरी ये थी और हर एक किलोमीटर के किराए 5 रुपये थे, इसलिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो गया और ये रुपये है। तो अगर मैं कुल किराए की बात करूं कितना होगा, तो कुल किराया जो है, देखो शुरू में तो 8 रुपये था जो पहले किलोमीटर के लिए दिया गया, और उसके बाद आने वाले टोटल जो बचे हुए किलोमीटर हैं उसके लिए इतना किराया खर्च किया गया। तो ये समीकरण अब यहाँ पे ये इस तरह से बन गया है। अब देखो कुल किराया कितना है, कुल किराया है y, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5x-5 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो y बराबर 5x, 8 में से 5 गया 3, और ये हमारा आंसर आ गया है, ये हमारा समीकरण बन गया है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो या y को उस तरफ लेके जाओ, तो 5x-y+3=0 ऐसे भी लिख सकते हो, बट इतना काफ़ी है, ये हमारा समीकरण बन गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अच्छे से इसको समझना, देखो 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, उसके बाद बचे हुए किलोमीटर कितने हैं? तो जो बचे हुए किलोमीटर हैं, तो कुल x किलोमीटर थे, एक हमने हटा दिया जो हम जिसके लिए हम 8 रुपये दे रहे हैं। हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि पहले किलोमीटर के बाद में हर एक किलोमीटर के लिए किराया केवल 5-5 रुपये है, तो हम ये निकालेंगे कि बचे हुए किलोमीटर कितने हैं जिससे कि हम उसमें 5 का गुणा कर सकें, और ये बची हुई 1 किलोमीटर के बाद की जितनी भी दूरी थी उसका किराया ये है। तो टोटल किराया ये हो गया और ये हमारा समीकरण बन गया। अब हमें इसको एक ग्राफ में ड्रॉ करना है, तो ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो x y, अगर हम x को 0 रखें तो y क्या होगा? अगर हम x 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और y 3 आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये 0 रखा तो 5 का गुणा 0 से होगा, ये 0 आ गया, 0+3=3। दूसरे के लिए हम एक काम करते हैं, x को 1 रखते हैं, तो अगर ये 1 रखा तो 5 एकम 5 और +3 8, ये 8 हो गया है। देखो आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने y 0 क्यों नहीं रखा यहाँ पे? अगर मैं y 0 रखता तो x अजीबोगरीब आता, x आता -3/5, तो थोड़ा अजीब सा बन जाता। तो इसलिए मैंने इस तरह से रखा ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो ग्राफ ड्रॉ करने में, और ये नंबर अच्छे से हमें ग्राफ पेपर में मिल जाए जिससे।
तो अब हम ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ रहा होगा। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि प्लस वाली साइड में ज़्यादा रखें, क्योंकि सारे प्लस के हैं, तो इसलिए प्लस वाली साइड में हम ज़्यादा रखेंगे। यह है ओरिजिन। अब इसमें एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये एक एक सेंटीमीटर है। ठीक है ना। चलिए, ये हुआ x एक्सिस, ये x डैश है, ये y एक्सिस और ये y डैश है। ध्यान रखिएगा, आपको ये सब ज़रूर लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे आपके नंबर कट सकते हैं। ग्राफ जब भी हम बनाते हैं तो ये लिखना ज़रूरी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8। आप थोड़ा सा और आगे भी कर सकते हैं, 9। यहाँ -1 -2 -3 -4 ये हो गया है। पहला बिंदु यहाँ पे है 0 3, x 0 y 3 ये है। आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पे x 0 है और y 3 है, तो ये 0 3 हो गया। दूसरा 1 8, यानी x जो है वो 1 है और जो y है 8, तो x 1 y 8 कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो रहा है। आप समझ रहे हैं, x 1 y 8, तो यहाँ पे हो रहा है ये, तो ये हो गया 1 8। अब हमें क्या करना है, इसे और इसे आपस में ज्वाइन करना है। तो ये हो जाएगा 1 8, ये आ गया है। ठीक है, और बाद में आप यहाँ पे लिख देंगे। ये जो इक्वेशन है ये है जो हमने यहाँ पे लिखी है, y = 5x + 3। ठीक है, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर ये लिखते हैं। और ये माय डियर आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा ठीक से। वेल, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।